हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स का 12th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज फॉर द मीडियन हमने सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मेथड काम आती है हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग द ग्राफ्स ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कैसे हमें करना है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो मैंने पढ़ना मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने दो टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो ये दोनों टाइप के लिए मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेस देन टाइप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर मोर देन टाइप के लिए भी हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ 14.13। एक टेबल है 14.13 आपके टेक्स्ट बुक में, उसको मैंने कंसिडर किया है। टेबल कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिए दैट मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। लेस देन 10 5 है, फिर लेस देन 20 5 प्लस 3 मतलब कि 8 है, लेस देन 30 है 12, फिर लेस देन 40 है 15, देन लेस देन 50 है 18, फिर लेस देन 60 है 22 और इसी अकॉर्डिंग आपको लेस देन 100 गिवन है 53। चलिए मुझे इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या बाउंडेशन होंगे, कैसे कैसे मुझे इसे ड्रॉ करना है उसे देखेंगे। तो टू रिप्रेजेंट दिस वॉट वी हैव टू डू के दैट द डेटा इन द टेबल ग्राफिकली वी मार्क द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। चलिए तो वो हम कैसे दिखाएंगे इसके लिए देखिए। सो वो हम देखेंगे कि ऑन द वर्टिकल एक्सिस और यू कैन से इट इज ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि ये जो सारा डेटा है आपके लिए 10, 20, 30, 40 ये सब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्लॉट द पॉइंट्स, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। कैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे, सो प्लॉट द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर पेयर्स ऑफ अपर लिमिट एंड द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे मिलेगी, देखिए मैंने बताया जैसे कि 10 से लेके 5, 10 5 के एक पेयर मिलेगी, फिर 20 और 8 का एक पैर मिलेगा, 30 और 12 का पैर मिलेगा, 40 और 15 का पैर मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पैर मिलेगा 50 एंड 18, सिमिलरली 60 22, 70 29, 80 38, देन 90 45 एंड 100 एंड 53। चलिए अब इसे मुझे क्या प्लॉट करना होगा, इसे ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर दूंगा। ग्राफ पॉइंट्स हमें कैसे बनाने हमने ऑलरेडी सीख रखा है इसके लिए पहले से ही। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड जॉइन द join them by a free hand smooth curve. free hand smooth curve मतलब क्या होगा कि अगर आपको ऐसे पॉइंट गिवन है, देखिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो आप इसे स्केल की तरह वी मार्क जैसे नहीं बनाना है, आपको क्या करना है इसे स्मूथ कर्व की तरह ले जाना है, मतलब आपको इसे इस तरीके से एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ नहीं बनाना है आपको, ऐसे स्मूथ कर्व बनानी है अगर ग्राफ जा रहा है तो। समझ में आ जाएगा क्या करेंगे इसके लिए। तो ये याद रखना होगा कि आप ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसका फायदा क्या होगा कि हमें जो ग्राफ मिलेगा जो यहाँ पे हम बनाएंगे इसके लिए, सो द कर्व वी गेट इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव और लेस देन टाइप। अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा, ओगीव नहीं लिखा है, ओगीव मत पढ़ना, इट्स कॉल्ड ओजीव। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके लिए द टर्म ओजीव, ओजीव इज प्रोनाउंस्ड एट ओ जे डबल ई वी, ओजीव लिखा है ओ जी आई वी बट हम इसे पढ़ेंगे ओजीव, ठीक है। तो इस कर्व को हम प्रोनाउंस करेंगे ओजीव। समझ में आ जाएगा कैसे होगा। तो इस ओजीव कर्व को हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे कि इस ओजीव कर्व को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। चलिए तो ये पॉइंट्स के लिए कैसे बनाना है, तो उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ पेपर ले लूँगा, उसके ऊपर ड्रॉ करूँगा सबसे पहले एक एक्स एक्सिस, फिर मैं ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस, सेंटर पॉइंट को ओ, इसको x एक्सिस कह दूंगा, इसे क्या कह दूंगा y एक्सिस। चलिए x एक्सिस पे और y एक्सिस पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, पर सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, स्केल। स्केल में लूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स
और वाई एक्सेस पे भी ले लूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। चलिए बिल्डअप करेंगे। सो एक्स एक्सेस पे अलग अलग मार्क्स बनाएंगे हम लोग। अब मार्क्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप देखिए ग्राफ कैसे मैनेज करेंगे कि हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वाई एक्सेस पे ऐसे मार्क बना दो सबसे पहले। उसके बाद अब पॉइंट बनाने हैं, तो एक्स एक्सेस पे जो हमें क्या लिखना था मैंने बताया था, वाई एक्सेस पे आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैं लिख सकता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और उसी के अकॉर्डिंग वाई एक्सेस पे मैं एक्स एक्सेस पे लिखेंगे हम अपर लिमिट्स, जो क्या होगी बताया था मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 और 100। चलिए उसके बाद क्या करना है हमें, पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने बताया था पॉइंट्स क्या थे मेरे पास, 10, 5, 28, then 30, 12, 40, 15, then 15, 18, 60, 22, 70, 29, सिमिलरली 80, 38, 19, 45 एंड 153। चलिए पॉइंट्स कैसे मिलेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है 10 एंड 5, 10 और 5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखिए मिडिल में। फिर 20 और 8 है तो 8 अप्रोक्सीमेटली इस लाइन के नियर में मिलेगा आपको। फिर 30 आएगा, 30 और 12 है तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा अराउंड। चलिए इसके बाद मुझे बनाना है 40 और 15 आपको इन बिटवीन यहाँ मिलेगा। सिमिलरली 50 और 18 है तो 50 और 18 आपको नियरली यहाँ मिलेंगे। 60 और 22 यहाँ मिल जाएगा। फिर 70 और 29 वो आपको यहाँ मिलेगा। 80 और 38 वो आपको यहाँ मिल जाएगा। 90 और 45 आपको यहाँ सेंटर में मिलेगा और 80 और 53 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो मैं वहाँ पे पॉइंट्स बना दे रहा हूँ देखिए अलग अलग, ताकि आपको पता चले कि हमने जो पॉइंट बनाया है वो कैसे मिलेंगे मुझे। चलो ये पॉइंट मिल गए। अब मैंने बताया था एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करनी है, मतलब क्या करनी है आपको, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बर कनेक्ट करना है। तो सीधे सीधे एक पेंसिल से आप ड्रॉ करते जाइए इस तरीके से कर्व, जैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं वैसे ड्रॉ करिए, ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा, पर इस तरीके से एक कर्व जो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसे ड्रॉ करने के लिए। चलिए बात आती है कि सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हम इस ऊंचाई कर्व का रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस ऊंचाई कर्व से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मेथड हमने वहाँ पे की थी फॉर्मूला में, कि हम सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाई 2 फाइंड करेंगे, जो क्या हो जाएगा मेरे लिए 53/2 होगा। चलिए 53/2 हमें पता था क्या आएगा, 26.5 था। अब इसे मुझे y एक्सिस पे देखना है कि कहाँ होगा, तो y एक्सिस पे 26.5 कहाँ मिलेगा, तो 26.5 मुझे अप्रोक्सीमेटली यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा जो ग्राफ को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कट करेगी, हो गया ये पॉइंट। अब इस पॉइंट से मुझे एक हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, किसके लिए, x एक्सिस पे। ये लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, वो तो आप स्ट्रेट लाइन से बना सकते हो। और ये जो पॉइंट आएगा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए 60 है, फिर यहाँ पे 61, फिर 62, 63, 64, 65 एंड 66 और 67। तो 66 और 67 के बीच में आया है मैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 66.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो ये मेथड है टू फाइंड द मीडियन, कैसे फाइंड करना है मैंने बताया, सिग्मा एफ आई बाई 2 को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप जब मीडियन कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 66.5 आंसर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं, आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब नेक्स्ट हमें बनाना है किसके लिए, मोर देन टाइप, ये लेस देन टाइप हो गया, ये जो भी टाइप है वो कौन सा टाइप हो जाएगा, मैंने बताया था कि इट इज लेस देन टाइप। अब मुझे मोर देन टाइप बनाना है। चलो मोर देन टाइप के लिए क्या करना होगा, सिमिलरली मुझे लिमिट्स को चेंज करना होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमने एक टेबल बनाया था 14.14, उसे हम कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे मोर देन टाइप के लिए। तो चलिए देखिए, चलिए आगे के लिए क्या करना होगा कि नेक्स्ट अगेन वी कंसिडर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेबल 14.14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। चलिए वो टेबल में अब मुझे उसे बनाने के बाद उसका ओजीव कर्व मुझे ड्रॉ करना है ऑफ अ मोर देन टाइप टेबल के लिए।
तो उसके लिए देखिए मुझे टेबल किस तरीके से दिया गया है। मोर देन टाइप के लिए मोर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 53, फिर 10 के लिए 48, 20 के लिए 45, 30 के लिए 41, इस तरीके से पूरा 90 के लिए 8 तक मुझे कर्व गिवन है यहाँ पे। चलिए इसके लिए क्या करना होगा, अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए, सो वी प्लॉट द लोअर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि इन सब को मुझे कहाँ बताना होगा, एक्स एक्सिस, एंड द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये अगेन कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस पे। देन वी प्लॉट पॉइंट्स लोअर लिमिट कॉमा करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो आपको क्या मिलेगा, मैंने बताया 0,53, 10,48, 20,45, 30,41, 40,38, 50,35, 60,31, 70,24, 80,15 एंड 90,8। नाउ अगेन ड्रॉ ऑन अ ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व। सेम वही करना है जो हमने वहां पे किया था, बस पॉइंट सब कैसे बनेंगे, तो देखिए लेस देन टाइप में अपर लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन टाइप के लिए होती है, और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए जो मतलब मोर देन टाइप के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हमें ड्रॉ करना होगा। ये टेबल कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए अगेन अगेन मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्केल यूज करेंगे हम लोग अगेन। चलिए क्या करना है, वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करेंगे हम लोग, वो तो आप कैसे भी ऑर्डर में प्लॉट करो चलेगा। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो क्या है मेरे पास, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्या होगी, वहाँ पे आपकी लोअर लिमिट्स वो क्या हो जाएगी, 10 से 20 और 100। अब पॉइंट्स 0 से 53, 10 से 48, सिमिलरली नेक्स्ट क्या मिलेगा, 20, 45, 30, 41, 40, 38, 50, 35, 60, 31, 70, 24, 80, 15 और 90 के साथ क्या मिलेगा, 8। चलिए प्लॉट कैसे मिलेंगे पॉइंट, देखिए सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 0 से साथ 53 है तो वो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, फिर है 10 के साथ 48 जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिमिलरली उसके बाद आपको गिवन है 45 जो मिडिल में अप्रोक मिलेगा आपको, फिर नेक्स्ट 41 है जो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं वो पॉइंट्स बनाना शुरू कर दे रहा हूँ देखिए यहाँ पे, ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। प्लॉट्स देख सकते हैं आप पॉइंट के लिए, अगेन हमें क्या करना होगा, इसे फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना होगा, तो हम एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर देंगे अगेन। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक ग्राफ मिल जाएगा। अगेन इसमें से भी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, अगेन सिग्मा एफ आई बाई टू करना है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था अभी 26.5। अगेन 26.5 से एक लाइन ड्रॉ करिए जो स्ट्रेट इसे यहाँ कनेक्ट करे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करे वो नीचे चली जाएगी, अगेन ये वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी 66.5 के अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 66.5। तो इस तरीके से भी आप मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है इसे ड्रॉ करने का, और इसे कैलकुलेट भी आप ईजीली कर सकते हैं। चलिए बट अगर कभी कभी केस आ जाता है कि दोनों कर्व एक साथ ड्रॉ करने को बोला जाए, तो दोनों कर्व को आप दोनों एक साथ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे हम इन दोनों कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों कर्व्स को अगर मुझे एक साथ ड्रॉ करनी है, तो मैं इस तरीके से दोनों कर्व को एक साथ ड्रॉ करूंगा एक ही ग्राफ पेपर पे, सेम स्केल यूनिट के साथ हमने ड्रॉ किया ये दोनों ग्राफ्स को, तो हमें पता है कि हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए इसके बाद क्या करना है, ये ड्रॉ करने के बाद अगर बोला जाए कि नाउ कैलकुलेट द मीडियन, तो अब मुझे एक्स एक्सिस पे सिग्मा एफ आई बाई टू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ कि आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा ये, उसके बाद वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो परपेंडिकुलर टू क्या होनी चाहिए, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा अगेन दैट विल बी योर मीडियन। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपको क्या दे देगी, आपके मीडियन एम की वैल्यू, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, 66.5। तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 66.5। सो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट मीडियन इज 66.4 या 5 के आसपास मिलेगा, मैंने कहा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, 6.4 से 66.5 तक आपको आंसर मिल सकता है, वेरी होगा कोई दिक्कत नहीं, इतना वेरिफिकेशन आपके लिए चलेगा।
तो ये तरीका है जिससे आप इसे इजीली मीडियन कैलकुलेट करने के लिए निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने तरीके से। अगेन मैंने बताया मोर देन टाइप और लेस देन टाइप की रिक्वायरमेंट क्या है टू कैलकुलेट द मीडियन। हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो ये दोनों ग्राफ्स की हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।